ये बिहार है और यहाँ की सरकार और सरकारी तंत्र को किस प्रकार से काम में लिया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। इस खबर को देखने और जानने के बाद आपका वो भ्रम दूर हो जाएगा कि बिहार में सरकारी तंत्र अच्छे से काम करता है। आप अक्सर सरकारी वाहनों के दुरुपयोग की खबरें पढ़ते और सुनते रहे होंगे। कभी सरकारी वाहनों से अधिकारियों की जानने वालों द्वारा निजी शॉपिंग करने का मामला सामने आता है, तो कभी सरकारी वाहन से साहब के बच्चों को स्कूल छोड़ने की बात सामने आती है। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। दरअसल इस बार सीओ साहब यानी कि अंचलाधिकारी के सरकारी वाहन से बकरा ढोए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल शिवहर जिले के पुरनहिया के सीओ की गाड़ी से बकरा ढोए जाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि सीओ की गाड़ी से बकरे की ढुलाई हो रही है। वीडियो पुरनहिया के बसंत पट्टी का बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार पुरनहिया अंचलाधिकारी के सरकारी वाहन में 4 बकरा लोड कर बसंत पट्टी के स्थानीय घर पर लाया गया था। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और धीरे धीरे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि सरकारी वाहन पर सीओ बोर्ड लगा हुआ है और उसी वाहन में से बकरा उतारा जाता है। वहीं इस वायरल वीडियो पर प्रभारी डीएम शिवहर विनोद दुहन ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है और पुरनहिया सीओ से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। आखिर किन परिस्थितियों में सरकारी गाड़ी से बकरे को ढोया जा रहा था? इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि क्या सरकारी गाड़ी अब इसी काम के लिए बची हुई है? खुलेआम सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते मूल्यों को देखते हुए इस तरह सरकारी वाहनों का दुरुपयोग कितना जायज है, अब ये तो सीएम नीतीश कुमार ही बताएंगे। दरअसल सरकारी वाहन के दुरुपयोग के मामले अक्सर देखने को मिलते रहे हैं। कभी अधिकारी की पत्नी सरकारी वाहन से शॉपिंग करती दिख जाती है, तो कभी सरकारी हाकिम के बच्चे स्कूल जाने के लिए वाहन का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। दरअसल अधिकारी के पद का बोर्ड लगे वाहन से जाना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। अब जो ताजा खबर है उसके मुताबिक ये बात भी साफ हो गई है कि सरकारी वाहन सिर्फ शॉपिंग और स्कूल छोड़ने के लिए नहीं बल्कि बकरा ढोने के लिए भी बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस तस्वीर को देखने के बाद बिहार के सरकारी सिस्टम की न सिर्फ पोल खुल रही है बल्कि लोगों के जहन में अब सवाल भी जन्म लेने लगा है कि क्या बिहार में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल पदार्थों का मूल्य बढ़ने के बावजूद इस तरह से सरकारी वाहनों का दुरुपयोग किया जाना उचित है? ये सवाल लोगों का बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से है। लोग इस तस्वीर को देखने के बाद थू थू कर रहे हैं और सरकार की इस वीडियो को देखने के बाद खूब आलोचना भी हो रही है, तो वहीं बिहार के प्रशासनिक सिस्टम पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका जवाब लोगों को अगर जल्द मिल जाए तो बेहतर होगा। अन्यथा इस प्रकार की तस्वीरें बिहार में कोई नई बात नहीं है और इससे होता कुछ नहीं है बल्कि लोगों के जहन में सरकार और सरकारी तंत्र के लिए गलत तस्वीर छप जाती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।